स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर बुक टैमरिन ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द समरी ऑफ चैप्टर 3 दैट इज बीमल एंड रानी. सो दिस इज अ चैप्टर अबाउट अ बॉय हुज नेम इज बीमल एंड हु स्टेज इन अ विलेज विद हिज ग्रैंड मदर. वो विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है बिकॉज हिज पेरेंट्स वर्क इन द सिटी. उसके पेरेंट्स सिटी में काम करते हैं. He is a good boy. He wakes up early in the morning. He brushes his teeth. He takes bath. है ना? So he is a good boy. His grandmother gives him porridge for breakfast. उसकी grandmother उसको breakfast में क्या देती है? Porridge खाने के लिए देती है. But he likes milk of their goat whose name is Rani. But उसको क्या पसंद है? अपनी goat का milk. और goat का नाम क्या है? Rani. Because the milk of a goat is fresh and creamy. He is a kind boy. He wants to share his biscuits with Rani, but his grandmother told him that Rani likes grass. वो एक अच्छा बच्चा है, दयालु, kind बच्चा है, और वो अपने biscuits Rani के साथ share करना चाहता है, जो उसकी grandmother उसको after breakfast देती है खाने के लिए. But उसकी grandmother बोलती है कि Rani likes grass more than biscuits. रानी को क्या पसंद है? ग्रास. बिकॉज गॉट क्या है? ग्रास खाती है ना. तो रानी लाइक्स ग्रास. सो ही गिव सम ग्रास टू रानी विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मदर. ओके, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर विल बी डन इन जूम क्लास. सो दिस इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर. ओके, ये इस चैप्टर की सिर्फ समरी है. मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर किसके बारे में है और इसमें कौन कौन है. ठीक है, और इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड रीडिंग हम जूम क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.